यूपीएससी के 12वीं और 10वीं के छात्रों द्वारा जम्मू में सीबीएसई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए छात्रों ने कहा कि गलती सीबीएसई की है और पेपर दिल्ली में लीक हुआ था, हम जम्मू में पेपर क्यों दें। छात्रों ने कहा कि अगर हमारी सरकार एक पेपर नहीं संभाल सकी तो वो हमारा भविष्य क्या संभालेगी। सर मुझे बस एक बात बताओ, ये गवर्नमेंट बोलते हैं हम ये हैं हम वो हैं, अगर इनको 23 को पता लग गया था, इनको वार्निंग आ गई थी कि आपका पेपर लीक होने लगा है, तो इन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की। वो हमारी मिनिस्टर चेयरमैन वो छुट्टियां मनाने घूम रही है, वो अपनी नॉवल्स पब्लिश कर रही है, ये कहाँ का जस्टिस है, वो जो गुजरात में घूम रहे हैं, और हमारे HRD मिनिस्टर पर जाकर हम कह रहे हैं कि हम बच्चों के हित में डिसीजन लेंगे, ये कौन सा हित में है सर? आप बताओ सर, ये कहाँ का असूल है? अगर उनको पता लग गया था कि पेपर वायरल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो उन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की? और पेपर उस दिन 28 तारीख को क्यों हुआ, कंडक्ट ही क्यों हुआ? अगर पेपर वापस लेना ही था तो कंडक्ट नहीं करते, और उनको पता भी था कि पेपर लीक हुआ है। फिर मसला क्या है सर? मसला ये है, हम 28 को हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर था, हम पेपर देके आए, पेपर अच्छी तरह से नॉर्मली हुआ, पेपर देके आए, पेपर देने के 1:30 के बाद 90 मिनट के अंदर अंदर हमें पता लगता है कि CBSE ने कहा है पेपर लीक हो चुका था, पिछले 2 हफ्तों से वायरल होता व्हाट्सएप पे, और इसीलिए जो 28 का एग्जाम है वो रद्द हो गया है। उसके बाद CBSE ने कहा हम अगले हफ्ते तक पहले कल्प्रेट्स पकड़ेंगे, उसके बाद हम डिसीजन देंगे कि आपका पेपर नया कब होगा। सर नया पेपर क्यों होगा? सर क्यों होगा? हमने तो अपनी मेहनत की, हमारा क्या कसूर है? बंदे करप्ट उनके, मैनेजमेंट खराब उनकी है, तो हमारा कहाँ रोल है इसमें? वो गवर्नमेंट बाद में इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर रही है, हमारी गलती कहाँ है? हम क्यों दे रिटेस्ट? हम बॉयकॉट करेंगे रिटेस्ट, अगर रिटेस्ट हुआ, अगर उन्होंने डेट डिसाइड कर दी, हम बॉयकॉट कर देंगे, हम कोई रिटेस्ट नहीं लेंगे, जो करना है उन्हें करे जाए, हमारे हम अपने फ्यूचर का खुद संभाल रख सकते हैं, उन्होंने दिखा दिया क्या करना। हमारे 12th को 26 को हमारे इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, दो दिन बाद न्यूज आई कि 12th का पेपर लीक हुआ है। इनको पता लगे पहले अकाउंट्स का पेपर लीक हुआ है, इनको पता था बिजनेस स्टडी का लीक हुआ है, तो इनको अगले पेपर में अपनी पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, इनके कारण पेपर लीक हुआ। मैनेजमेंट उनकी खराब है, कसूर उनका, उसमें हम बच्चे क्यों सफर करें? हमने एक बार पेपर दे दिया, 10 छुट्टियां थी हमें, हमने पेपर दे दिया, अपनी मेहनत हमने पेपर किया, उसके बाद ये 2 दिन बाद न्यूज बनाएंगे कि कल को आपका रीटेस्ट दोबारा होगा। हम कोई पागल थोड़े बैठे, हम रीटेस्ट बार बार नहीं दे सकते हैं, हमने एक बार मेहनत किया, एक पूरा हमारे 5th मार्च के पेपर स्टार्ट होते, एक महीना पूरे खजलोए पेपर के कर हमने मेहनत किया।